सोलन में अंडर 14 छात्र राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य व समाज सेवक तरसेम भारती रहे। यह चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। इसमें कई टीमें भाग ले रही है और यह प्रतियोगिता ठोडो मैदान में खेली जा रही है। भारती ने कहा कि खेलों से जीवन में अनुशासन में रहने की भावना पैदा होती है। तरसेम भारती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल चैंपियनशिप के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और इसमें अंडर 14 की जो टीमें हिमाचल प्रदेश भर से आई हैं, मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एसोसिएशन के प्रधान अरुण जी मेरे साथ खड़े हैं। एसोसिएशन लंबे समय से अच्छा काम यहाँ कर रही है, क्योंकि अगर हमारे लिए जो ये बेसिक जो है मूलभूत सुविधाएं अगर खिलाड़ियों को मिलेगी, और यही एक पड़ाव ऐसा है जीवन का जहाँ से हम मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद कर सकते हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो अवसर देने का काम एसोसिएशन कर रही है, इसके लिए मैं एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अभी सभी खिलाड़ियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारे सभी स्कूलों के अंडर 14 के जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी को खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल एक ऐसा विषय है मानव जीवन में जहाँ खिलाड़ी आपको डिसिप्लिन मिलेगा और खेल में डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए और खेल में हार जीत महत्व नहीं रखती है, क्योंकि जब दो टीमें खेलेंगी एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा उसे आगे निरंतर प्रयास करना चाहिए, जो जीतेगा जीत जाता है उसे भी प्रयास करना चाहिए। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी खिलाड़ियों को, एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी ओर आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर जान सुमन की रिपोर्ट।